पीएम मोदी ने आज बुनियादी ढांचा और निवेश विषय पर आयोजित पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। ये वेबिनार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और सह संचालन उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को नई ऊर्जा देने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी देश के विकास में अवसंरचना का महत्व हमेशा से ही रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को नई ऊर्जा देने वाला है। पीएम मोदी ने वोट बैंक की राजनीति के लिए अवसंरचना विकास पर निवेश नहीं करने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ दशकों तक एक सोच हावी रही कि गरीबी एक मनोभाव है। इसी सोच की वजह से देश के अवसंरचना पर निवेश करने से पहले की सरकारों को दिक्कत होती थी। वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा कि आज नेशनल हाईवे का औसत वार्षिक निर्माण 2014 की तुलना में दोगुना हो गया है। 2014 से पहले हर साल 600 रूट किलोमीटर रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, आज ये लगभग 4000 रूट किलोमीटर तक पहुंच गया है। एयरपोर्ट की संख्या 2014 की तुलना में 74 से बढ़कर 150 के आसपास पहुंच चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद आधुनिक बुनियादी ढांचे पर अधिक आवश्यक जोर नहीं दिया गया। 2014 से पहले हर साल 600 रूट किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण होता था, इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, आज ये लगभग 4000 रूट किलोमीटर तक पहुंच रहा है। अगर हम एयरपोर्ट की तरफ देखें तो एयरपोर्ट की संख्या भी 2014 की तुलना में 74 से बढ़कर के 150 के आसपास पहुंच चुकी है, यानी डबल हो चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के आधारभूत संरचना का, भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का कायाकल्प करने वाला जा रहा है। ये आर्थिक और बुनियादी ढांचा योजना को विकास को एकीकृत करने का बहुत बड़ा उपकरण है। पीएम मोदी ने कहा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत सरकार आने वाले समय में 110 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ये समय प्रत्येक स्टेक होल्डर्स के लिए नए दायित्व, नई संभावनाओं और साहसपूर्ण निर्णय का है। पीएम मोदी ने भौतिक मूल ढांचे के साथ ही देश के सामाजिक बुनियादी ढांचा को भी उतना ही आवश्यक बताया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा उतने ही प्रतिभावान युवा, स्किल युवा काम करने के लिए आगे आ पाएंगे। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंस स्किल पर जोर दिया जाना बहुत आवश्यक है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।